चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। जी हाँ, और ये मज़ा और भी दुगना होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ फिर से एक नए आईपीओ की अपडेट। यह दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। या क्या इसकी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए आईपीओ की अपडेट के बाद। आज हम बात करने वाले हैं नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह दोस्तों, ये आईपीओ 30 नवंबर से ओपन हो रहा है और आप इसमें 4 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके लिए मौका है इसमें इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ क्रिएट करने का। कंपनी आईपीओ के जरिए 10.26 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 57 लाख इक्विटी शेयर जारी करने वाली है। इस आईपीओ की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये और इसका प्राइस बैंड जो है वो 16 से लेके 18 रुपये तय किया गया है। इस आईपीओ में 50% शेयर जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 15% शेयर जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 35% शेयर जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। इन्वेस्टर कम से कम 8,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इसमें बिड कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टर को 1,44,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। या दोस्तों, ये एक SME IPO है तो इसमें लॉट साइज बड़ी ही रहती है। IPO का अलॉटमेंट आपको 7 दिसंबर को हो सकता है और यह कंपनी 12 दिसंबर को BSE MSE में लिस्ट भी हो सकती है। श्रेणी शेयर प्राइवेट लिमिटेड को इसका बुक रनिंग लीम मैनेजर के तौर पर तय किया गया है और बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस इशू का रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है। या दोस्तों, आप इसका अलॉटमेंट जो है वो बिग शेयर की ऑफिशियल साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूँ तो 1998 में निकमिल नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसे पहले नेट एवेन्यू इंक के नाम से जाना जाता था, भारतीय जातीय परिधान और सहायक उपकरणों के लिए ऑनलाइन डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर व्यवसाय में लगी हुई एक ई कॉमर्स कंपनी है। या दोस्तों, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी की शुरुआत एक उपहार पोर्टल chennaibazaar.com के रूप में हुई थी, जो पहले भारतीय उपहार पोर्टलों में से एक है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय को उपहार समाधान प्रदान करती है। कंपनी के बारे में, अपनी पेशकशों में विविधता लाई है और कंपनी भारतीय जातीय कपड़े और आभूषण प्रदान कराने वाली cbazaar.com और ethnonwove.com की भी लॉन्च की है। या दोस्तों, इसकी ये दो ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी पॉपुलर है और इस पोर्टल के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर रही है। कंपनी के उत्पादनों में पोर्टफोलियो के अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर चोली, सलवार कमीज, कुर्ता, शेरवानी, कुर्ती, बच्चों के लिए कपड़े और भी बहुत सारे उपकरण शामिल हैं। यह कंपनी ने अपना खुद का लग्जरी ब्रांड रेयर भी लॉन्च किया है और ये जो है वो इस ब्रांड के जरिए फॉरेन में भी अपना बिजनेस कर रही है। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी के cbazaar.com को 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकानों में से एक और 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई ब्रांडों में से एक के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। यानी इंटरनेशनल लेवल ने भी अपने वेल्थ क्रिएट की है और इंटरनेशनल लेवल में भी कंपनी ने अपना नाम बनाया है। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस पर अगर नज़र डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू जो है वो 32.76 करोड़ रुपए था और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 2.61 करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 34.51 करोड़ रुपए हो गया और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 1.76 करोड़ रुपए हो गया। तो दोस्तों, एक इंटरनेशनल लेवल पे ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्रदान कराने वाली अपनी इंडियन कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है और इस आईपीओ के ज़रिए आपकी भी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने तो नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल ने भी अपनी वेल्थ क्रिएट की है और इंटरनेशनल लेवल ने भी अपना बढ़िया नाम बनाया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस आईपीओ को और इस कंपनी को लेके आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी आईपीओ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया और हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी हमसे अपडेटेड रह सकते हो।
सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट IPO की अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।